सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा कारगिल दिवस मनाया गया। इस आयोजन में खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर जहां एक ओर भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया गया, वहीं उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप, पवन गुप्ता, रोहित भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिक जानकारी देते हुए खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि 1999 में भारत की सेना ने कारगिल पर विजय हासिल कर ये साबित कर दिया था कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के ही दिन हिमाचल के 52 शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने कारगिल पर विजय पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। उन्होंने कहा कि मां भारती के वीर सपूत भी, जो कि भारत की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी वजह से आज हम खुली और स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, उन सपूतों को आज समूचा देश और भारतीय जनता पार्टी सत सत नमन कर रही है। आज शौर्य दिवस है। आज ही के दिन 1999 में भारतीय सेनाओं ने अपना अदम्य पराक्रम दिखाते हुए दुनिया को ये दिखा दिया था कि भारत की सेना किसी भी चुनौती को स्वीकार करके उसका हल करना जानती है। आज ही के दिन कारगिल के ऊपर विजय प्राप्त की थी हमारे वीर सैनिकों ने, जिसमें 52 हमारे वीर सैनिक हिमाचल प्रदेश से भी शहीद हुए थे। और आज ही के दिन पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिमाचल कारगिल विजय दिवस को मना रहा है। उन्हीं मां भारती के वीर सपूतों की, जो सर्वस्व नछावर करके उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। उनको आज पूरा देश कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनका आज आभार व्यक्त कर रहा है। कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई।